साथियों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, पनीर आधुनिक युग में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्यों माना जाता है? जब गहराई से इसकी पड़ताल की तो पता चला कि आयुर्वेद में पनीर को निकृष्टतम भोजन के रूप में बताया गया है। बोले तो कचरा, और कचरा भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कचरा जिसे जानवरों को भी खिलाने से मना किया गया है। दूध को फाड़कर जहाँ दूध का रूप विकृत करके पनीर बनता है, जैसे अगर कोई सब्जी सड़ जाए तो क्या हम उसे खाएंगे, वैसे ही पनीर भी सड़ा हुआ दूध है। भारतीय इतिहास में कहीं भी पनीर का उल्लेख नहीं है, नहीं ये भारतीय व्यंजन है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही दूध को विकृत करने की मनाही है। आज भी ग्रामीण समाज में घर की महिलाएं अपने हाथ से कभी दूध नहीं फाड़ती। पनीर खाने के नुकसान आयुर्वेद ने तो शुरू से ही मना किया था कि विकृत दूध लीवर और आंतों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने भी अपने एक शोध में साबित किया है कि पनीर खाने से आंतों पर अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे पाचन संबंधित रोग होते हैं। पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन पचाने की क्षमता जानवरों में भी नहीं होती, फिर मनुष्य कैसे उसे पचा सकता है? नतीजा होता है खतरनाक कब्ज, फैटी लीवर और आगे चलकर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, और यही पनीर पेट की खतरनाक बीमारी IBS को भी पैदा करता है। ज्यादा पनीर खाने से खून में थक्के जमने की शिकायत होती है, जो ब्रेन हैमरेज और हार्ट फेलियर का कारण बनता है। वहीं ये पनीर हार्मोनल डिसेबल्स का कारण बनता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म पनपता है। महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता कम होती है, पुरुषों में नपुंसकता आती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये पनीर लाभ तो केवल जीभ को देता है, लेकिन हानि पूरे शरीर की करता है। पर कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, चिल्ली पनीर और भी न जाने क्या क्या, समोसे में पनीर, पकोड़े में पनीर, पिज्जा में पनीर, बर्गर में पनीर, मतलब जहाँ देखो वहाँ पनीर पनीर पनीर। भारत में शायद जितना दूध पैदा नहीं होता, इससे ज्यादा पनीर बनता है। भारतीय लोग तो पनीर के इतने दीवाने हो चुके हैं कि इन्हें जहाँ पनीर मिल जाता है बहुत ही मजे से वहाँ चाप लेते हैं। होटल में गए तो बिना पनीर खाए इनके गले से निवाला नहीं निकलता। चिकित्सा विज्ञान में सबसे प्राचीन विद्या आयुर्वेद में दूध, दही, घी का जिक्र हर जगह है, किंतु इस नामुराद पनीर का जिक्र कहीं नहीं मिलता। आखिर क्यों? यदि पनीर इतना ही अच्छा है तो इसके बारे में किसी ऋषि ने कुछ क्यों नहीं लिखा? इसीलिए अगली बार पनीर खाने से पहले सोचिएगा अवश्य। मैं आशा करती हूँ आपके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।